अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप बोया का ओरिजिनल माइक अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो आप उसे कैसे परचेज़ कर सकते हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि यह बोया का ओरिजिनल माइक है और दुकानदार आपको चूना भी नहीं लगा सकता कि यह बोया का ओरिजिनल माइक है या फेक माइक है। ये हमारे पास दो माइक हैं, एक माइक हमारे पास जो ओरिजिनल है और एक फेक है। जो ओरिजिनल है उसके ऊपर जो बोया के ऊपर जो है वो आर नहीं लिखा होगा, बल्कि जो फेक है उसके ऊपर आर लिखा होगा। और हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रिक है वो हमारे पास ये है कि जो बोया का माइक है उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी, दूसरा माइक है उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, अभी हमारे पास जो हम स्क्रीन पर आ चुके हैं, ये हमारे पास बोया का M1 माइक आ चुका है। ठीक है, तो ये इसकी मैं आपको प्राइस भी बताऊँगा। इसकी पाकिस्तानी प्राइस 1600 रुपये और इंडियन प्राइस आप खुद ही चेक कर लीजिएगा। तो मैं इसको करता हूँ ओपन। ओपन करेंगे, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें जो है वो कुछ गाइडलाइंस मिलेंगी कि ये गाइडलाइन 2 पेपर्स की हैं, तो ये बाइक जो है वो ओरिजिनल माइक है। और ये अगर हमारे पास जो हाइलाइट्स है वो नेक्स्ट पेपर, अगर इसमें 14 पेजेस हैं तो समझ लीजिएगा कि ये बोया का ओरिजिनल माइक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर 14 पेजेस है, बल्कि फेक माइक में 14 पेजेस नहीं होते, ये बोया का माइक है। ठीक हो गया, यहाँ पर हमने बोया का माइक ओपन कर लिया है और ये आपको पेपर से ही पता चल जाएगा कि बोया का ओरिजिनल माइक है या फेक माइक है। ठीक है, इसमें आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, सेल मिलेगा, एक जो है वो आपको माइक स्टैंड मिलेगा। ठीक है, एक जो है वो आप इसमें इसको लैपटॉप कैमरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास सेल है, तो फ़िलहाल मैं सेल को रख देता हूँ। तो ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इससे हम इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास माइक का स्टैंड है और ये माइक में जो हम अपनी आवाज़ को साफ़ करना चाहते हैं तो इससे साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बोया का माइक आ चुका है। अगर हम इसको नीचे से पे करेंगे तो ये माइक मोबाइल से कनेक्ट होगा, ऊपर को करेंगे तो ये कैमरे से कनेक्ट हो जाएगा। और ये चिप नज़र आ रही है, ये फेक पे ये चिप नहीं होगी, ओरिजिनल पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो सेल आ चुका है। इसको मैं ओपन करता हूँ। अगर आप इसमें सेल डालना चाहते हैं, अगर आप इसको मोबाइल में यूज़ करना चाहते हैं, आपको सेल की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको कैमरे में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको सेल की ज़रूरत होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर सेल लगा लेता हूँ, आपने देख लेना अच्छे तरीके से क्या आपने सेल कैसे लगाना है। अगर आप गलत सेल भी लगाएंगे तो भी इसको मसला बन सकता है। तो यही वो ट्रिक्स हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि बोया का ओरिजिनल और फेक माइक में क्या डिफरेंस है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।